शादी का लड्डू जिसने खाया वो भी पछताया और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। दोस्तों शादी चीज ही ऐसी होती है, लेकिन देखो पूरी दुनिया फिर भी शादी के चक्कर में पड़ी हुई है। किसी भी घर के लिए शादी का कार्यक्रम सबसे बड़ा माना जाता है, और दोस्तों जब शादी के घर में तरह तरह के रिश्तेदार आते हैं तो कॉमेडी भी बहुत होती है। दोस्तों आज हम आपको शादी में हुई कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद आप इतना हंसेंगे कि आप कपिल शर्मा का शो भूल जाएंगे। जी हाँ, आज आप हंसते हंसते लोटपोट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो घटना है ना वो तो वैसी है जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम भी कर लीजिए। दोस्तों साउथ इंडिया की शादियों में दो चीजें बहुत पॉपुलर होती हैं। पहली चीज है सोना चांदी और दूसरा है यहाँ के दूल्हे का लुंगी पहन के शादी करना। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है ये। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपको जोर जोर से हंसी तो आएगी, कहीं आप हंसते हंसते गिर ना जाएं इसका ख्याल रखिएगा। ये देखिए ना दोस्तों, शादी की शुरुआत हुई कि लड़के की लुंगी नीचे आ गई है। अरे भाई, किसी को भी हंसी आ जाए, टाइट नहीं थी ये लुंगी ऐसा लग रहा है। बेचारा दूल्हा क्या मुंह दिखाएगा किसी को, मुंह का पता नहीं कुछ और जरूर दिख गया लोगों को। दोस्तों अगली शादी में जो हुआ है उसे देखने के बाद आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे, गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। भाई इतनी शर्म आ रही है कि पूछो ही मत। ये देखिए ना दोस्तों कैसे यहाँ पे दोनों बस शर्मा रहे हैं एक दूसरे से। दोस्तों एक दूसरे की तरफ ठीक से देख भी नहीं रहे हैं, लेकिन लड़की ने कहा कि चलो मैं ही माला पहना देती हूँ। ओह ये क्या हो गया दीदी, आप तो लड़के को माला पहनाते ही सदमे में चली गई। ये क्या है भाई, कोई भी लड़की किसी लड़के को देख के इतना कैसे डर सकती है। दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि जब वो दोबारा उठी तो उसके बाद अचानक ही चिल्लाने लगी, हे भगवान ये कैसा नजारा है, ये देखिए कितना मुंह फाड़ के चिल्ला रही है। भाई ये शादी हो रही है कुछ और है, बेचारा ये लड़का मुझे इसका फ्यूचर दिख गया है। हाँ विनोद बन गया ये लड़का, विनोद। लड़की की एक्टिंग देखकर ऐसा लग रहा है कि विनोद की रिया से शादी हो रही है यहाँ पे, जोक समझे आप। दोस्तों अब ये भी आप देख लीजिए कैसे यहाँ पे लड़का लड़की शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही केक को काटा गया लड़के ने तो लड़की को खिला दिया, बेचारी लड़की शर्मा शर्मा के खा रही है। लेकिन दोस्तों जब लड़की की बारी आई वो लड़के को केक खिलाने गई, दो बार वो केक मुंह के पास लाई और उसने हटा लिया। भाई लड़की तो मस्ती कर रही थी, लेकिन दोस्तों कहां किसी को पता था कि लड़का इतना गुस्से में आ जाएगा कि लड़की के ऊपर चांटा बजा देगा। भाई ये बदतमीजी है, मैं इसके खिलाफ हूँ। लड़की थोड़ा मजाक क्या कर रही है यार, लड़के ने इस बात को दिल पे ले लिया। भाई वैसे भी लड़कियों के साथ इस तरीके का बर्ताव सीखा नहीं आपने कभी कुछ, ये फनी नहीं था, कैंसिल करो इस लड़के को। दोस्तों अब इनसे भी मिल गए, ये देखिए कितने शातिर हैं ये। दोस्तों क्या कमाल की प्लानिंग है इनकी, ये देखिए अपने होने वाली बीवी को मच्छर के बहाने चांटा मारने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों क्या दिमाग है भाई का, समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी शादी भी नहीं हुई है और ये हाल है इन दोनों का। शादी के बाद तो घर में बहुत ही मच्छर आएंगे, लड़की का क्या हाल होगा फिर, एक दिन लड़की भी मच्छर मारने पे आ जाएगी मैं बता रहा हूँ। दोस्तों शादी विवाह में तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है, अब हजार हजार लोग आते हैं वहाँ कुछ ना कुछ लफड़ा तो हो ही जाता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों ये देखिए कैसे ये लाल कपड़ों वाली लड़की दारू पीकर टल्ली हो गई है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या कर रही है। जी हाँ दोस्तों ये देखिए इनका पूल डांस, वाह भाई वाह, जो अंकल खड़े हैं वो तो भाई पागल ही हो गए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये हुई कि जैसे ही लड़की ने इस पोल को अपना बॉयफ्रेंड समझा, उसके साथ नाचने की कोशिश की, खंबा नीचे गिर गया और पूरे के पूरे सेटअप की ऐसी की तैसी हो गई, ये तो गलत हो गया। दोस्तों कई बार पता है मुझे क्या लगता है कि बाहर देश वाले लोग भी हमारे बॉलीवुड से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, है कि नहीं। ये देखिए ना कैसे यहाँ पे जब शादी हो रही है तो लड़की को गोद में लेकर भागने की जरूरत क्या है। ये देखिए दोस्तों कैसे भागने की कोशिश की और भाई बुरी तरह से दोनों नीचे गिरे, क्या बात है क्या बात है। देखिए भाई साहब को ऐसा लगता है इनके अंदर का प्रेम चोपड़ा जाग गया था, अचानक बीवी को लेकर भागने लगे, दोनों नीचे गिर गए फिर। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप अपनी हंसी रोक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों ये देखिए कैसे डांस फ्लोर पे पहले लड़की नाच रही है, मस्ती से थिरक रही है, अब इतने में पतिदेव भी आ गए। भाई लोगों जब शादी में लड़का लड़की एक साथ नाचते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं बढ़िया डांसर मैं तो नहीं मैं। यहाँ देखिए लड़के ने ऐसी छलांग लगाई कि लड़की का मुंह तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों ये देखिए कैसी छलांग लगाई है इस लड़के ने, मतलब मेरे लिए तो अपनी हंसी रोक पाना थोड़ा मुश्किल है अभी फिलहाल। अब भाई इनका डांस भी देख लो, कसम से माइकल जैक्सन इनके सामने फेल हो जाएंगे। भाई ये देखिए कैसे डांस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो डांस कम कर रहे हो, मिर्गी ज्यादा आ गई है।
है कि नहीं, कमाल है। मतलब भाई कॉन्फिडेंस पे तो फुल मार्क्स है, दाद देता हूँ मैं यार। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आपको लगेगा कि इतनी खुशी तो एमएस धोनी को भी नहीं हुई होगी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, जितनी दोस्तों खुशी आज के दिन में इस लड़के को हो रही है। जी हां, ये देखिए कैसे जयमाला करने के बाद ये लड़का खुशी से नाचे जा रहा है, पागल हो गया है, खूब मस्ती किया जा रहा है, कितना खुश नजर आ रहे हैं भाई। इसने तो अपनी सारी दांते बाहर निकाल दिए, कमाल है। लग रहा है कि बहुत समय से वेट कर रहा था ये शादी होने का। क्या लगता है आपको दोस्तों, फटाफट कमेंट करके हमें बताइए। दोस्तों पागल लोग सिर्फ हमारे देश में ही नहीं होते, बाहर भी खूब होते हैं। पागल मतलब शादी की खुशी से पागल हुआ इंसान। दोस्तों यहाँ आप भी देख सकते हैं कि लड़का लड़की दोनों ही शादी की खुशी में डांस किए जा रहे हैं। दोस्तों लेकिन मजे की बात तो ये है कि जैसे ही लड़के ने नाचना शुरू किया ना, वो नाच कम रहा था, हाथ पैर ज्यादा चला रहा था। देख के एक तो लगी है लड़की के चेहरे पे, हाँ ये देखिए लड़की का चेहरा बुरी तरह से चोटिल हो गया, बहुत बुरा हुआ। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये दोनों शादी वाले मंडप पे ही शुरू हो गए। भाई वाह क्या बात है। ये देखिए दोस्तों कैसे चुम्मा चाटी एक रस्म के नाम पे कर रही है। ओए भाई चिपक रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, कंट्रोल भाई कंट्रोल, क्या बात हो गई, घर ही तो जाना है इसके बाद। दोस्तों अब हम आपको कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आप बिल्कुल हंसेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए ना कैसे लड़की को रिंग पहनाने के लिए लड़का गया और स्लिप कर गया। दोस्तों उसके बाद क्या होना था, लड़की और उसके साथ खड़ा एक लड़का दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर गए। शादी करने आए थे और ये बीवी को पानी में गिरा दिया। अरे बीवी भी पानी का इस्तेमाल करेगी लेकिन वो तुमको पिला पिला के पीटेगी। दोस्तों जब आपने मन बना ही लिया है कि शादी करनी है तो बारिश क्या और आंधी क्या, कोई आपका क्या बिगाड़ लेगा। क्योंकि आपने शादी करके सबसे बड़ी परेशानी अपने साथ ही जो रख ली है, बाकी परेशानियां इसके सामने क्या है। आपको बता दें कि इनकी यहाँ शादी हो रही है और आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार बारिश भी हो रही है, लेकिन दिलवाले तो दुल्हनिया लेके ही जाएंगे, क्या बात है बढ़िया। दोस्तों कई लोगों को फोटो क्लिक करवाने का बड़ा शौक होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही फोटो क्लिक करवाने की बात चली वैसे ही ये क्या, लड़के ने लड़के को पानी में गिरा दिया। ये देखिए दोस्तों कैसे लड़की समुद्र में गिर गई, कहाँ पोज देना था और कहाँ पानी में गिरा दिया। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे शर्माती हुई लड़की ने लड़के को वरमाला पहनाई है। दोस्तों लेकिन इनकी स्पीड देखकर बैलगाड़ी भी बोले कि भाई तुमसे फास्ट तो मैं ही हूँ। दोस्तों ये देखिए ना कैसे धीरे धीरे माला पहना रहे हैं, लेकिन जब लड़की की बारी आई तो उसने कई बार लड़के को नहीं बल्कि उसकी टोपी को माला पहना दी। अब क्या होना था, लड़का इसे इंसल्ट समझने लगा और उसने माला उतार के ही फेंक दिया। भाई कंट्रोल करो थोड़ा यार। दोस्तों अब यहाँ भी देख लीजिए, बारात कैसे बैलगाड़ी से जा रही है, लेकिन लगता है कि भाई इन्होंने खाना ज्यादा खा लिया है। ये देखिए ना दोस्तों क्या हालत हुई है, बैलगाड़ी ही टूट गई, कमाल है भाई कमाल है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि शादियों में जवान जवान लड़के लड़कियों से ज्यादा बूढ़े लोग एक्साइटेड नजर आते हैं, जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत इमोशनल होते हैं। अब यहाँ देखिए ना कि ये अंकल क्या बढ़िया पटाखे फोड़ रहे हैं, क्या बात है, लगता है इनको अपनी शादी याद आ गई, अच्छा है अच्छा है। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे स्लो मोशन में एक शादी में माला पहना रहे थे, लेकिन दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल उलट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्लो मोशन नहीं, यहाँ फास्ट मोशन है। दोस्तों यहाँ तो दोनों के बीच इतनी जल्दबाजी है कि आपस में ही लड़ रहे हैं दोनों, क्या बात है, लगता है शादी के पहले की प्रैक्टिस है ये। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये हमारे देश में ही हो सकता है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पे कि कैसे लड़का और लड़की की नई नई शादी हुई है और दोनों केक काट रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये देखिए ना कि कैसे इनके दोस्तों ने क्या प्लान कर रखा है। जी हाँ क्या बात है, जैसे ही केक काटा लड़के ने, दोस्तों ने भाभी जी और लड़के को केक में नहला दिया। कहने का मतलब है कि केक की होली खेल ली इन्होंने। दोस्तों कई बार कहा जाता है कि आप उम्र का लिहाज करें यार, क्यों कहा जाता है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ आज। दोस्तों यहाँ देखिए कैसे दादाजी बच्चों के साथ डांस करने लगे और अंत में अपने आप को संभाल नहीं पाए और खुद भी गिर गए, साथ में बच्चों को भी गिरा दिया, वो भी झाड़ में। अब आप इसे क्या कहेंगे, दादाजी को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए था, समझदारी से काम लेना चाहिए था, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं उम्र का लिहाज करना चाहिए। अब समझ आया क्यों कहते हैं कि उम्र का लिहाज कर ले भाई। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, यहाँ एक लड़का लड़की को माला पहना रहा है। दोस्तों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लड़की ने भी लड़के को माला पहनाई। दोस्तों लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे कोई भूल नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे लड़के की पैंट नीचे गिर गई, क्या बात है, ये तो कमाल हो गया, पैंट नहीं संभली भाई से बीवी को कैसे संभालेगा, गलत तो नहीं बोल रहा मैं दोस्तों, सॉरी। दोस्तों अब ये भी देख लीजिए, ये भी साउथ इंडिया का ही नजारा है। यहाँ नई नई शादी हुई है और उसके बाद जो हुआ है उसे कौन बुला सकता है। आंटी जी का डांस, मजा आ गया, कमाल है, क्या नाच रही है, लग रहा है कि मानो आज स्टेज पे आग लगा देंगी, आग है कि नहीं, अच्छा नाच रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा।
साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।